नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश के दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हिमाचल प्रदेश के दिन की नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। मौसम हिमाचल में फिर भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आएगा बदलाव। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में 2 फरवरी से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 2 से 5 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। हालांकि 5 फरवरी को मैदानी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। इसके अलावा बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार और गुरुवार को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में कोहरा छाए रहने और बारिश का पूर्वानुमान जताया है। सरकार का फैसला, नशा रोकने के लिए हिमाचल में बनेगा देश का पहला निदेशालय, जिलों में बनेंगे खुफिया सेल। हिमाचल में युवाओं को नशे की लत से छुटकारा दिलाने और तस्करी रोकने के लिए निदेशालय की स्थापना की जाएगी। देश में यह पहला निदेशालय स्थापित किया जाएगा। जिलों में अलग अलग खुफिया सेल स्थापित किए जाएंगे जो नशा कारोबारियों पर नज़र रखेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश में नशे की बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति को स्वीकृति दी है। सड़क हादसा, मंडी के थुनाग में कार खाई में गिरी मां की मौत, बेटा घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बख्तियार थुनाग सड़क मार्ग पर कांडी मोड़ पर जंजहली की तरफ जा रही कार के खाई में गिर जाने से मां की मौत हो गई, जबकि बेटा बुरी तरह से जख्मी हुआ है। घायल युवक को CHC बख्तियार उपचार के लिए भर्ती किया गया है। वहीं मृतक महिला की पहचान 45 वर्षीय मोरू देवी पत्नी शिवदास निवासी कठवांडी के रूप में की गई है, जबकि घायल युवक की पहचान 23 वर्षीय प्रकाश चंद पुत्र शिवदास निवासी कठवांडी के रूप में की गई है। इसके अलावा SHO जंजहली संजीव कुमार ने घटना की पुष्टि की है। मां बेटा दोनों अपने मायके और ननिहाल शुमली जा रहे थे। सियुंता में बिजली चोरी करते 9 लोग पकड़े, विभाग ने वसूला 2.5 लाख रुपए जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुआड़ी विद्युत उपमंडल सियुंता में फ्लाइंग स्क्वाड ने 9 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। टीम ने मौके पर इन उपभोक्ताओं से करीब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला है। वहीं बीते दिनों शिमला से बोर्ड की एक टीम यहां पहुंची। टीम ने क्षेत्र में जगह जगह दबिश दी। करीब 4 दिनों तक टीम सियुंता में रही और बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा की कार्रवाई से क्षेत्र के उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा है। केंद्रीय बजट हिमाचल के लिए भी बढ़ेगी समग्र प्रोत्साहन आर्थिक मदद, रोपवे विकास कार्यक्रम का भी मिलेगा लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। बजट में की गई घोषणा से कोविड के चलते हिमाचल के लिए भी समग्र प्रोत्साहन आर्थिक मदद बढ़ेगी। वहीं प्रदेश को रोपवे विकास कार्यक्रम का भी लाभ मिलने की उम्मीद है। बजट में अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन का प्रावधान किया गया है। वहीं साथ ही 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा जो सामान्य ऋण के अतिरिक्त है। इससे भी हिमाचल को लाभ मिलेगा। वहीं 2022-23 में राज्यों को GSDP के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमति मिलेगी। बंदिशें हटाई, सामान्य तौर पर खुलेंगी और बंद होंगी सभी दुकानें। हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में अब सभी दुकानें सामान्य तौर पर ही खुलेंगी और बंद रहेंगी। दुकानों को खोलने व बंद करने पर लगाई गई बंदिशें हटा दी गई है। धार्मिक लंगर जिला के सभी स्थानों पर यथावत पूर्णता प्रतिबंध रहेंगे। वहीं DC दुनीचंद राणा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। पहले काले बिले लगाकर किया काम, कल से हड़ताल पर NHM कर्मचारी।
एनएचएम के कर्मचारियों ने मांगे मनवाने के लिए आंदोलन तेज कर दिया है। ये कर्मचारी बुधवार से सांकेतिक हड़ताल करेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति एनएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ चंबा इकाई के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध संघ के कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश सरकार को 26 जनवरी तक रेगुलर स्केल की मांग को पूरी करने का अल्टीमेटम दिया था। इसमें स्थायी नीति बनाने की अधिसूचना जारी करने की मांग रखी गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा उनकी इस मांग को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है। इसके चलते नाराज कर्मचारियों ने 27 जनवरी से काले बिल्ले लगाकर काम किया। अब 2 फरवरी से कर्मचारी सांकेतिक हड़ताल शुरू करेंगे। इस वजह से हुआ था टैक्सी में विस्फोट, शुरुआती जांच में हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी के जरी में एक खड़ी टैक्सी में विस्फोट की जांच के लिए कुल्लू पहुंची केंद्रीय जांच एजेंसियों ने आतंकी वारदात से इनकार किया है। घटना की जांच कर दिल्ली लौटी एनआईए, एनएसजी और आईबी के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने शुरुआती जांच में इसे जिलेटिन का धमाका बताया है। वहीं अब सबकी नज़र फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है, जिसमें विस्फोट की पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं घटना की आगे की जांच के लिए एसपी कुल्लू ने डीएसपी कुल्लू मोहन रावत की अगुवाई में 7 सदस्य एसआईटी का गठन किया है। धर्मशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय 14 फरवरी से ऑफलाइन लेगा परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय सीयू में अकादमिक सत्र 2021-22 मानसून सेमेस्टर के अंतिम सत्र की सभी परीक्षाएं 14 फरवरी से 3 मार्च तक ली जाएंगी। यह परीक्षाएं ऑफलाइन मोड से कोविड-19 की अनुपालना करते हुए आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन शर्मा ने बताया कि कोविड के संबंध में प्रदेश सरकार के फैसले को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षाओं को लेकर अपना शेड्यूल तय किया है। वहीं अब अंतिम सत्र की सभी परीक्षाएँ 14 फरवरी से लेने का फैसला लिया गया है। हिमाचल को मिलेगी ज्यादा केंद्रीय मदद, राज्यों की ग्रांट 10 गुना बढ़कर 1,00,000 करोड़ हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट को देश की अर्थव्यवस्था देने, किसानों, समाज के कमजोर वर्गों तथा विकास को नई नीति देने की दिशा में कारगर दस्तावेज बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा तथा इसके साथ ही डिजिटल तकनीक के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को समग्र और समावेशी बनाएगा। विभाग ने जारी किया आदेश, स्वास्थ्य संस्थानों में 43 मेडिकल ऑफिसरों की तैनाती। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी में 43 मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति की है। इनकी नियुक्ति अनुबंध आधार पर की गई है। इन्हें 26,250 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, वहीं प्रोत्साहन राशि अलग से मिलेगी। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरें। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।